दोस्तों, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वेंडलर जू की जंगल सफारी कैसे होती है और वहाँ पे जीव जंतु अभी भी है या नहीं और उसका प्राइस क्या होता है वो सब। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं वेंडलर जू के अंदर का एक्वेरियम से, जो कि जू एंटर करने के बाद थोड़ी देर चलने पर आपको सामने ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जाने के लिए कोई टिकट नहीं है क्योंकि आपने एंट्री के लिए इतना पैसा दे ही दिया है, तो ये बिल्कुल फ्री है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी आप सब मछलियों के प्रकार देखिए और फिर हम आगे चलते हैं। अभी हम आए हैं एक्वेरियम से निकलते ही लेफ्ट साइड में एक शॉप है वहाँ पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि 3 घंटे साइकिल चला के हमें बहुत भूख भी लगी थी और हम थक भी गए थे। तो यहाँ पे हमने ट्राई किया वेज पफ, समोसा और लेमन जूस, और प्राइस मेंशन कर दूंगी, देख लेना कैसा क्या था, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे। तो अभी हम फाइनली पहुँच गए हैं जंगल सफारी के लिए, जो कि लायन एंड डियर सफारी भी कह सकते हो। टिकट लेने के बाद कुछ आधा घंटा हमने वेट किया, फिर हमारी बस आ गई, फिर हम निकल गए लायन एंड डियर सफारी के लिए। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे कैसे हैं सब और कौन कौन है अभी। शायद ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप में उनको भी बाहर आने में प्रॉब्लम है, और फिर भी देखते हैं, न्यू एक्सपीरियंस है, उसका आनंद लेते हैं। और बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको भी वो सब देखने को मिलेगा जो कुछ हमने वहाँ पर देखा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ का टिकट प्राइस है एडल्ट्स के लिए 150 और चिल्ड्रन के लिए 30 रुपीज।
और सबसे पहले हमें ये देखने को मिले, और ये भी एक टाइप के हिरन ही हैं जो कि पूरे ग्रुप्स में थे और बहुत सारे थे, और आगे कुछ तो ऐसे कीचड़ में नहा भी रहे थे, मतलब बहुत सारे थे। और यहाँ पे अंदर जाते वक्त आपको दोनों साइड में ऐसे मोर भी देखने को मिलेंगे, हिरन भी देखने को मिलेंगे, और कुछ नहीं, मतलब मोर और हिरन ही देखने को मिलेंगे जब तक कि आप लायन के जगह तक नहीं पहुँच जाते। तो कुछ देर के बाद आप पहुँच जाएंगे लायन की जगह पर, जहाँ पे कि आपको एंट्री में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब ये पूरा कवर रुक के रहता है, मतलब बंद रहता है, फिर आपकी गाड़ी यहाँ पे घुसती है, फिर इसका गेट ओपन होता है, फिर आप अंदर जाते हो लायन की जगह पे, जहाँ पे कि लायन खुलेआम घूम रहे होते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने लायन दिखते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे लायन दिखाने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पे ऐसे होता है कि कुछ लायन ऐसे पिंजरे में होते हैं और कुछ ऐसे खुलेआम घूम रहे होते हैं। आपने देखा इतनी पास एक शेर को? जाओ भैया जाओ, मैं अभी खा के बैठा हूँ, मेरा दुख मत छो। बैठी हो कितना बड़ा अजीब है। मेरा फोन गिर गया तो मैं गई। उठ रही है। She is getting up. And about to turn. अच्छा, पीछे मुड़ के जो। तो ये जर्नी होती है हमारी सिर्फ 20 मिनट की, और यहाँ पे और एक मेरा घाटा हो गया, यहाँ पे मेरा चश्मा भी गुम हो गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो जू देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, जो कि जू के अंदर ही है, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ही जा रहे हैं हम। और सच बताऊँ तो जू में इतने ज़्यादा जानवर है ही नहीं, मतलब जितना बड़ा जू है ये, और यहाँ पे स्नैक क्रोकोडाइल वो सब अभी देखने भी नहीं दे रहे, बंद है वो सब। ओवरऑल बताऊँ तो ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था वेज बिरयानी और गोभी मंचूरियन, जो कि कुछ इस प्रकार से आए। और सच बताऊँ तो मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सिर्फ जो पहले हमने वेज पफ खाए थे वो और समोसा, वो सब बहुत बढ़िया था, लेकिन लंच अच्छा नहीं था। फिर हम सब निकल गए हमारे घर की तरफ, पहले ऑटो से गए ताम्बरम रेलवे स्टेशन, फिर ताम्बरम से गए हम मम्बलम रेलवे स्टेशन, फिर मम्बलम रेलवे स्टेशन से हम गए अपने घर, यानी कि हमारा रूम हॉस्टल। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।